20,000 की रिश्वत लेते जनजाति कार्य विभाग का सहायक आयुक्त गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई। लोकायुक्त पुलिस ने आज जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त संदीप जैन को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। छात्रावास का निरीक्षण के नाम पर केसली के छात्रावास अधीक्षक वीर सिंह अहिरवार से रिश्वत मांग रहा था। सागर में अरिहंत विहार कॉलोनी स्थित निवास पर कार्रवाई जारी। लोकायुक्त इंस्पेक्टर संतोष जारमरा एवं BM द्विवेदी कर रहे हैं कार्रवाई। कोई आई नहीं रहा है जी, आ रहा सामने है नहीं ना सर, हम लोग भी तो इंसान है यार, जरूरी है। क्या कोई पत्रकार नहीं आएगा तो मुसीबत हमारी है। आवेदक वीर सिंह अहिरवार, आदिवासी बालक, सीनियर छात्रावास केसली हॉस्टल अधीक्षक ने लोकायुक्त कार्यालय सागर में एक शिकायत की थी कि इनके जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त संदीप जैन हर महीने 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं और नहीं देने पर अनुपस्थिति का नोटिस बनाकर और दबाव बना रहे हैं। शिकायत की थी, शिकायत का सत्यापन किया गया, जो शिकायत सही पाई गई, रिपोर्टिंग कराई गई। 20,000 रुपये की मांग की गई सहायक आयुक्त संदीप जैन द्वारा और वही 20,000 रुपये लेते हुए आज इनके किराए के मकान पर यहाँ अरिहंत कॉलोनी में पकड़े गए हैं, भी कार्रवाई की जा रही है। प्रताड़ित करते हैं, कहते हैं कि मैंने हम तुरंत सस्पेंड कर देंगे, इसलिए इन्होंने दबाव में पहले 25,000 मेरी चली गई, इसके बाद 20,000 की मांग और कर रहे हैं। मुझे धमकी देते हैं कि तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा, तुम्हारी फर्जी छात्रावास है, जबकि मेरे बच्चे रहते हैं और सब अच्छी संचालन छात्रावास का सही हो रहा है। मैं छात्रावास क्वार्टर में परिसर में निवास करता हूँ। अच्छा, ये क्या किस पोस्ट में है ये? जी सर, जी नाम और संदीप जैन, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सागर।